पलासी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रेखा रानी जी, जिसके गले में आज कोकिला के रूप में आपने देखा। मैं बड़े बड़े मंच देखे और लोगों को अपने लिए ताली बजवाते हुए देखा है, कुमार विश्वास तक को देखा है, लेकिन यह सोचा आपके लिए लोग ताली बजा रहे थे, आपने कहा नहीं। ये आपका असर था और ये सब सेंट जॉन्स के प्राचार्य प्रोफेसर एसपी सिंह जी, डॉक्टर मनीषा जी प्राचार्य स्थित महाविद्यालय की, प्रोफेसर डॉक्टर अरुणा त्रिपाठी जी, कुशल संचालक ओजस्वी संचालक डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, उपस्थित बाहर से यानी इस विद्यालय के बाहर के महाविद्यालयों के और इस महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राओं, सभी गणमान्य व्यक्तित्व जैसे हमारे गौरी शंकर जी बैठे हैं, पुराने साथी दिलीप जी हैं। सबसे पहले तो मैं उन सभी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने अपने कृतित्व से कुछ यहां उपहार पाए और जिन्होंने सरकारी नीति के अंतर्गत उपहार पाए और उस श्रेणी में उपहार हमको भी मिला एक पौधे के रूप में। एक उक्ति मेरे जहन में आती है कि किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए वो थोड़ी देर रोएगा, लेकिन संस्कार न दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। और यहां जो हमें उपहार दिया गया वो संस्कार युक्त उपहार था, वो संस्कार भी दे रहा। आपको भी जो सरकार ने दिया है वो भी संस्कार के रूप में दिया है। हमें पर्यावरण की ओर प्रेरित कर रहा था उपहार कि पर्यावरण कितना जरूरी है मानव जीवन में और जिसका जीता जागता उपहार सबने होगा इस विश्व में, इस धरती पर अभी कोरोना काल ऑक्सीजन की कमी के रूप में, और ऑक्सीजन कितनी आवश्यक है ये उस समय पहली बार प्रतीत हुआ मानव जाति। और जो हम पर्यावरण में नुकसान करते जा रहे थे वृक्षों का, उस समय एहसास हुआ कि जो पर्यावरणविद बार बार कहा करते थे, चेतावनी दिया करते थे कि वृक्ष मत काटो, वृक्षों को रोपण करो, उन्हें पल्लवित करो, उस समय महसूस हुआ कितने दूरदृष्टि थी उन लोगों की और कितनी आवश्यकता है मानव जीवन। मैं आप सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा इस माध्यम से और सभी शिक्षकों और शिक्षिकाओं से, अपने अपने जन्म दिवस के अवसर पर एक वृक्षारोपण जरूर कर, पौधारोपण जरूर कर, उसको पल्लवित होने तक उसकी देखभाल कर, क्योंकि तो सरकारी व्यवस्थाएं है करती है, लेकिन जैसे भी करती है उनकी देखभाल कितनी होती है। जब तक सरकार और समाज किसी परिवर्तन के लिए आगे नहीं आएंगे दोनों, तब तक परिवर्तन अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं। अब तो हमको समझ लेना चाहिए कि पर्यावरण के लिए वृक्षों की कितनी जरूरत है, ऑक्सीजन के लिए वृक्षों की कितनी जरूरत है, और हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी तपस्या कितनी रिसर्च की होगी। ठीक है, उस समय उन्होंने धर्म से जोड़ा था इस विषय को। अब मैं यहां पर आकर विषयांतर हो गया मेरे विषय का, एसपी सिंह जी के अलग विषय था जो कह रहे थे यहां पर, चूंकि मुझे विषय दूसरा मिल गया। ऋषि तपस्या करते थे, मुनि उनको मुनियों को सौंपते थे, मुनि समाज को सौंपते थे,
उन्होंने तपस्या की होगी कितनी, आप कल्पना कीजिए कितनी रिसर्च की होगी, गुफाओं में कंदराओं में जाकर जब सिद्ध किया होगा कि पीपल वो वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, तुलसी वो पौधा है जो 24 घंटे ओजोन छोड़ती है, गाय वो प्राणी है जो 24 घंटे ओजोन छोड़ती है। आज ओजोन की कितनी आवश्यकता महसूस हो रही है आप सब जानते हैं, जब ओजोन की परत कमजोर हो रही है, छिद्र हो रहे हैं ऊपर, इसलिए गर्मी का प्रकोप दूसरे ढंग से बढ़ रहा है। ओजोन की परत है जो हमको बचाती है, ये विज्ञान बता रहा है, साइंटिस्ट बता रहे हैं, लेकिन इस सबके कुछ हमारे ऋषियों ने इतने सालों पहले की ठीक है, उस समय विज्ञान समझाना जरूरी भी नहीं था, समझ उतनी व्यापक भी नहीं थी, इसे धर्म से जोड़ा था, उसको पीपल को जोड़ दिया कि इसमें विष्णु का वास है इसलिए मत काटिए, आदमी धर्म हीरो होता था उस समय, उसको बताते कि ऑक्सीजन छोड़ता इसलिए मत काटिए, तो शायद फिर थोड़ा सा जब भगवान से भी हटने लगा और भूत पलीतों से ज्यादा डरने लगा तो कहते भूत रहता है इसलिए इसलिए हमारे ऊपर चढ़ जाएगा पीपल काटा तो नहीं कट रहा था पीपल। आज भी कल्पना कीजिए कि मन में पीपल काटने पर जरा हम सबको डर लगता है, तो कारण ये था कि धर्म से इसकी जोड़ा, इसे जल्दी से समझ में आ जाए। तुलसी मैया ऑक्सीजन ओजोन छोड़ती है इसलिए जरूरी है, घर के आंगन में भी पौधा हो, गौ माता पालिए गौ को माता का इसलिए कि ओजोन छोड़ती है, उसके दूध की उसके मूत्र के उसके गोबर में कितनी अलग अलग तरह की वो है शक्ति है, उसका लेप इसी कहा जाता है कि कोई रोग प्रवेश न करे घर पर। तो ये सब जो हमारे संस्कार है वो संस्कार धीरे धीरे विलुप्त होते गए, लोग धर्म से भी कटने लगे, भूतों के भय से भी कटने लगे, तो ये जो विसंगतियां पैदा हुई वो होने लगी समाज में। अब पुनः विज्ञान उसको पुनर्जीवित कर रहा है और विज्ञान पुनर्जीवित कर रहा है, फिर भी मान रहे हैं तो प्रकृति आगे समझा जाती है कोरोना के रूप में कि सब भी समझ जाओ नहीं तो बहुत बुरा होगा इस प्रकृति से खिलवाड़ मत करो। ईश्वर ने बड़ी बैलेंस शीट बना रखी है, उसको हम खिलवाड़ करेंगे तो बहुत ही आने वाली नस्लों के साथ बेईमानी करेंगे, आने वाली नस्लों के साथ अत्याचार छोड़ जाएंगे, और जब उनको मालूम पड़ेगा कि ये इसलिए हो रहा है तो वो नस्लें हमको कभी माफ नहीं करेंगी, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन सब पर्यावरणों को सुरक्षित रखें। पानी को अपवित्र कर रहे हैं, गंगा और यमुना में नाले छोड़ रहे हैं जिसे यमुना मैया गंगा मैया बोलते हैं, ये पाप करते हैं हमारे अधिकारी लोग, जिसमें हम ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं, निजी स्वार्थों में वो ट्रीटमेंट प्लांट के पैसे खाते हैं और सीधे नाले छोड़ते हैं, और जब सीधे नाले छोड़ते हैं तो फिर उसका पानी कौन पीता है, हमारा भी तो पीते हैं। चंद लोगों के निजी स्वार्थ का कोई मानव जाति का ऊपर अत्याचार, यह सोचना होगा, यही मानव सेवा है, यही राष्ट्रभक्ति है। यदि वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, ट्रीटमेंट प्लांट को ठीक से चलाएं, ट्रीटमेंटेड वाटर को सप्लाई छोड़े तो आज उसको शोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो यमुना वैली हो गई, गंगा का पानी हम आगरा के लिए लेकर आए, शायद वो नहीं लाना पड़ता, एक भगीरथ प्रयास नहीं करना पड़ता। तो जो आपने आज संदेश दिया है मुझे उपहार के रूप में, उसको जो मैंने ग्रस्त किया वो थोड़े से विचार आपके सामने रखे हैं।
ये टैबलेट मित्र कार्यक्रम था, ये कोई एक इंस्ट्रूमेंट का वितरण नहीं है। ठीक है, देखा हमने लोगों के चेहरे पर खुशी जब हाथ में मिल रहे थे, लेकिन मोदी जी की नीति और योगी जी का कार्यान्वयन, इसका सुपरिणाम है कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई। मस्जिद है तो दूर ये कर चले, मस्जिद कहीं दूर है तो चलो ये कर चले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। हमारे नेता यही कर रहे हैं कि आने वाली नस्लों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके भविष्य को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। जहां वो राष्ट्रभक्ति का प्रचायक है, वही ईश्वर भक्ति का प्रचायक भी है, क्योंकि शायद ने दो लाइनों में लिख दिया है कि अगर आने वाली नस्लों को बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाए तो ईश्वरी कार्य होगा, खुदा की इबादत होगी, भगवान की पूजा होगी। क्यों बांट रही है सरकार, कभी सोचा बच्चों आप लोगों ने? एनईपी नई राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई बनी, क्यों बनी, इसको विचार करना चाहिए, चिंतनशील होना चाहिए विद्यार्थी का, अध्ययनशील बनने से काम नहीं चलेगा, चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए, मंथन होना चाहिए, फिर उसमें से जो अमृत निकले उसका वितरण होना चाहिए। अध्यक्षशील ही मत बनिए, मनशील, मन मनन करिए, चिंतन करिए, क्यों इससे पहले राज्य शिक्षा नीति थी हमको क्या देखे गए, लॉर्ड बेकाले की देवी राज्य शिक्षा नीति थी, जिसने उस शिक्षा को भारत की चिति से काटा, भारत की प्रकृति से काटा। हम भूल गए अपने अतीत को, हम उन संस्कारों को, उन्हें हमें को वहां से काट दिया गया। काले अंग्रेज पैदा, लॉर्ड बेकाले के पिता ने जब पूछा था उनसे कि तुम क्या करके आए हो हिंदुस्तान के अंदर, तो बोला ऐसी शिक्षा दे के आ रहा हूं तो काले अंग्रेज पैदा करेगी। और एक और उसने बात कही थी कि वेशभूषा से वो हिंदुस्तानी होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे, हम तो वेशभूषा से अंग्रेज बन गए। इतनी असर है उस शिक्षा का, कितना असर है जरा आपसे जानकारी, कोई अंग्रेजी बोलता हुआ छोटी छोटी व्याकरण से बोलता हुआ दिखेगा उसको ही नहीं करो, और हिंदी बोलता हुआ क्या कितना प्रकांड विद्वान होगा वो आपके निगाह में चाहिए। ये क्या है, ये मानसिक गुलामी दे गया हमको लाड बेकाले अपनी शिक्षा पद्धति से, वो है, ये कोई आपका विचार नहीं है, ये उसकी शिक्षा पद्धति से मिला हुआ मानसिक विकृति हमारे अंदर जो हमारी चिति और प्रकृति से उसे काटा है। हमें संस्कृति से काटा है, प्रकृति विकृति और संस्कृति, ये तीन शब्द है। व्यक्ति को भूख लगती है प्रकृति है, वो खाना खा रहा है भूख लगेगी, लेकिन वो खा रहा है बचा के अपने घर में रख रहा है, फ्रिज में रखता है, सड़ता है तो फेंकता है, किसी दूसरे को देता नहीं, ये विकृति है। और दूसरे से छीन कर खा रहा है, दूसरे को बांट के खा रहा है, मेरे पे एक रोटी है मैं आधी रोटी सामने ठोके को दूंगा, ये संस्कृति है जो हिंदुस्तान की। संस्कृति से काटा,
आज की शिक्षा है आपके जो पिछले दिनों से चल रही है, आप जरा सोचिए अपने कर्म कि आज इस तरह के लोग ज्यादा मिल रहे हैं समेटो। अगर तेल फ्री में मिल रहा है, बेल का डिब्बा नहीं है, तो इस वजह हम अपने झोली में इस वजह दे भाई बड़े टपक ये प्रकृति बन गई है कि नहीं बन गई। तो हम संस्कृति से कट गए जो हमारी भूल संस्कृति, आज उसी संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए जो भारत की चिति थी बोली, क्योंकि चिति से कटके कोई आगे नहीं बढ़ पाया। फॉलोअर तो बन जाएंगे, लीडर नहीं बन पाए। लेकिन जब परिवर्तन हुआ, राजनीतिक परिवर्तन हुआ, सोच करने वाले व्यक्ति बदले, तो ये देश जो फॉलोअर था आज लीडर बन चुका है। पूरे देश में मेरा नेता मोदी बोलता है, लोग सुनते हैं, जो कहता है दुनिया मानती है, दुनिया का नेता बन गया है। ये है भारतीय। अभी कुछ दिनों पहले उनके पेरे से आता था, हमारे 20 साल पहले जीजा जी भी गए थे, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे इंदौर यूनिवर्सिटी करके मैथमेटिक्स में, वो गए थे। उन्होंने टेलीफोन करके कहा तुम पेरे जा रहे हो, मैंने कहा अरे बड़े बेकार जगह भाई, बड़े हिकारत से देखते हैं हिंदुस्तानियों को, ये कहोगे कि आई एम इंडियन तो जो कर गए शिक्षा से देखेंगे। तो मैंने खैर हम तो अपने जो डिपार्टमेंट के काम से जा रहे हैं, हमें तो कुछ लोगों से वास्ता पड़ेगा। मैं पहुंचा, अपने डिपार्टमेंट का काम किया, फिर उसका परचून व्यवस्था तो हमने सोचा जो ले लें। अब देखिए मानसिकता, हमारे साथ एक सज्जन थे, बोले यहां श्री देते होंगे ना, अब मैं तब तो रसोई खरीदने जाकर सब्जी लेंगे। हिंदुस्तान की मानसिकता में कितना परिवर्तन आया था, क्योंकि यहाँ पेरिस का बता के फर्जी बेचते, वो उसी से शायद विराट प्रेस से खरीद रहा, उस मानसिकता बकरा था वो, भाई पेरिस का है तो पेरिस से खरीदो, वह फर्जी कौन सा लगा, खैर वो अलग बात हो गई। उनके स्वाभिमान देखिए, वो लोग पहले फ्रेंच में बात करते, अगर आप फ्रेंच नहीं समझते हैं तब इंग्लिश में बात करते, स्वाभिमान है। जब मैं पहुंचा तो उन्होंने फ्रेंच में बताना शुरू किया, तो मैंने इंग्लिश में पूछा भाई दिस इज द बेस्ट अमंग ऑल, तो बाहर पास में खड़ा व्यक्ति बोला यू आर फ्रॉम, मैंने कहा फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम मोदी कंट्री, हाउ वेलकम। ये बदला है परिवर्तन के पूरे देश में, आज हिंदुस्तान का बदलने वाला कौन, मोदी। तीन 56 इंची का हो गया उस समय जब ये सुना, ओ यू आर मोदी सर, यू आर फ्रॉम मोदी सर, वेलकम वेलकम। जीजा जी की याद आई 20 साल पहले और 20 साल बाद बदलाव आया है। क्यों आया, इस मूल इस देश की मूल चिति से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज देश में राज कर रहा है, इसलिए है। हम सबको इस मूल चिति से जुड़ना होगा। शानदार का भूत तो वर्तमान को संवारो, भविष्य को निखारो। मैं शिक्षकों से ही बात करना चाहूंगा यहां पर, ये तो छात्रों से हो गई, हम क्या कर रहे हैं। मैं आप लोगों पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन एक आम परसेप्शन जो है, परसेप्शन बदल रहा है, बात सही है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा का परसेप्शन बदल रहा है। पहले क्या था 7-8 साल पहले, अब क्या है, बदलाव आ रहा है, लेकिन चंग लगा दी थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी प्रदेश या देशवासियों का क्या हो सकता है कि कोई राजनीतिक दल ये कहकर वोट मांगे कि हम तुम्हें नकल का अधिकार देंगे, मैं वोट दो। इस प्रदेश का दुर्भाग्य था, हुआ,
उन लोगों को बराबर शासन किया, शिक्षा का बंटवारा किया, भ्रष्टाचार किया। लेकिन अब वो व्यवस्था नहीं है, लोग भूल गए थे छात्र की पढ़कर पास होना है। अब तो ये तलाश करते कौन से सेंटर पर लगकर ठीक से हो जाती है, वहां पर जाकर अपना एनरोल कराया पास होना। शिक्षकों की भूमिका थी उस समय ठीक करनी चाहिए थी व्यवस्था, समझौता नहीं करना चाहिए था व्यवस्था। इस देश को शिक्षकों ने संभाला है, इतिहास इस बात में साथ, चाणक्य ने संभाला है, समर्थपुर रामदास ने संभाला है, पुनर्मा पंडित ने संभाला है, शिवाजी को मां जीजाबाई ने बनाया तो समर्थपुर रामदास ने बनाया था, शिक्षक ने बनाया है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त बनाया। हमको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हम राष्ट्र निर्माता है, आने वाली नस्लों को बदलू। मेरे दो बेटे हैं तो उन्होंने पीएचडी किया है, पढ़ने वो होशियार थे, ईश्वर की कृपा है, पीएचडी भी किया। मैंने उनको पीएचडी से कहा कि तुम लेक्चरार बन। मेरे भी कई व्यापक असर है तो कुछ और करा सकता था। इतने तो एमबीटी टॉप किया है, मैनेजमेंट एमबीए एमबीटी यूनिवर्सिटी से, चाहता तो किसी जगह अच्छी जगह कहीं उसे अच्छा पैकेज मिलता। घर का बेटा, आने वाली पीढ़ी का निर्माण करना है, राष्ट्र का निर्माण करना है तो एक टीचर अच्छा पढ़ना। कहा भी उसने कि टीचर में क्या तरक्की मिलेगी, तो फिर भौतिकवादी में समाज होता जा रहा है, तो मैंने उसे लालच दिया कि सबसे ज्यादा छुट्टी मिलेगी। मैं तो प्राइवेट सर्विस में काम करूंगा बेटा, तैयार की तरह जोते जाओगे और यहां पर 100 दिन पढ़ाना पड़ेगा मुश्किल से, भैया वो भी नहीं पढ़ाते हो। छात्रों की गड़गड़ाहट ये ताली की कुछ और कहानी है। मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता, यहाँ के शिक्षकों को समझ रहा होगा इस ताली, इस तालियों से समझ रहा होगा। मैं चेतावनी, मैं एडमिनिस्ट्रेटर रूप में चेतावनी देना चाहता हूँ, इसमें ये बर्दाश्त नहीं होगा। यहां कर रखा है 90 दिन भी देश पे, आप 90 घंटे भी देना चाहते इस देश के खातिर, आने वाली नस्लों के खातिर। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, तीन को भी देवता का स्थान मिला है उसका तो सम्मान करना चाहिए। गुरु बनने की बात करेंगे, हम गुरु है, शिक्षक भी नहीं बन पा रहे यहां से, तो ऐसा लग रहा है मुझको। शिक्षक से गुरु बनना बहुत कठिन है, करना पड़ता है। जो शिक्षक बनता है मैं उसे उसका सम्मान करता हूं दिल से, कि आज इस भौतिकवादी वातावरण में वो शिक्षक बना है, क्योंकि शिक्षा में भी नंबर को की कमाई को होती है शिक्षक की बेचारे। ट्यूशन कर सकता है तो वो भी मेहनत करेगा तो ट्यूशन करेगा, पैसे मिलेंगे, जितने घंटे पढ़ाएगा उतने घंटे की ट्यूशन करेगा तो पैसे मिलेंगे, ठीक है मेहनत करता है, लेकिन पढ़ाने में कोताही करेगा तो राष्ट्र के प्रति वफादारी नहीं करना है, आने वाली नस्लों के प्रति वफादारी। हमको आदर्श बनना है, शिक्षक आदर्श होता है समाज का,
हमारे शिक्षक अजीत सिंह शर्मा, आज तक मैं याद करता हूं तो उन्होंने तराशा है मुझको, जगन्नाथ पंडित जी उन्होंने संस्कार दिए है तीसरे चौथी कक्षा में, पाठ्यक्रम से अलग है क्या कभी आपने कोई शिक्षा दी है? राष्ट्र के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए बताया छात्रों को? समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कभी बताया? जगन्नाथ पंडित जी उसको पाठ्यक्रम से अलग हटके कहानियां सुनाते थे, हम छात्रों को एक एक हफ्ते में एक पीरियड में दो भक्त बालक, चंद्र भक्त बालक, राष्ट्र भक्त बालक, बालक मात्र भक्त बालक, तो उसको कागज के मन पर अवचेतन पर लिख जाता था कि हमको ये करना चाहिए। आज तक हमारे संस्कार है कि हमको माता पिता गुरु राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। ये शिक्षा का नहीं था उसका, लेकिन पढ़ाते थे इसलिए मेरे गुरु है वो। आज तक जेसी शर्मा जी ने मुझे पढ़ा था, एक मूल मंत्र दिया था मुझे जब विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री बना, कि नगर मंत्री बने हो कुछ ऐसा करना कि आने वाले नगर मंत्री याद रखें कि हमको वैसा बनना। और जहां भी रहो जो भी जिम्मेदारी मिले समाज से तुम्हें मिले या तुम लो, ऐसा करना वहां पर रहकर कि लोग याद करें कि ऐसा करना। अभी बताया उन्होंने, मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए लेकिन पहली बार मैं विधायक बना, मैं आगरे में पानी की समस्या को, जंजल की समस्या को निदान कराया, लोग मुझे भगीरथ और भागरा कहने लगे। यह वो गुरु की प्रेरणा। वैसे तो काम बहुत बड़ा था, ईश्वर के पास से हुआ, करता है तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, लेकिन प्रेरणा कहां से मिली? वो जेसी शर्मा जी गुरु थे। प्रतिभाओं को तलाशिए फिर उसे तराशिए, ये है गुरु। सिर्फ तनख्वाह के लिए पढ़ाने आए हैं ये नहीं। मैं अपने बच्चों को नहीं बताता, दूसरे कोई प्रोफेसर बना रहा हूं अगर उसका मुकद्दर है कहीं तरह, तो प्रोफेसर बनो बेटा, पीएचडी की है प्रोफेसर बनो, पीएचडी कराई इसीलिए प्रोफेसर बनो, तो समाज के लिए कर पाओगे, आने वाली नस्लों के लिए कर पाओगे। जो वितरण हुआ है आज ये एनईपी के अंतर्गत हुआ है बच्चों, तो शिक्षा के बारे में लॉर्ड मेघालय दे गया था, उसको परिवर्तन हुआ, परिवर्तन में शिक्षा को आज नए कलेवर में लाया गया है, नई नीति है शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कितने लोग, यदि मैं आप बच्चियों से पूछूं गार्गी के बारे में कोई बता सकता है क्या? शायद ही दो चार बच्चियां होंगी, अपाला, गार्गी, मंडल मिश्र की पत्नी अरुंधति, ऐसी ऐसी ऋषि महिला हुई है हमारे यहां पर, क्योंकि तो शिक्षा से उसको काट दिया गया। अब शिक्षा को संस्कार से जोड़ा जाएगा, नई नीति जिन मूल बिंदुओं पर काम कर रही है, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना और शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, प्राचीनता को अर्वाचीनता तक लाना, दोनों को मिलाना और फिर नए भारत का निर्माण करना। हम सिर्फ नीतियां नहीं बनाते, उसकी योजनाएं बनाते हैं, और योजनाएं ही नहीं बनाते, धरती तक का कार्यालय करने के पहुंचाते हैं कि योगी जी का कमाल है जो आप सबको मिल रहा है, और मोदी जी का कमाल है जो नीति। तो देश में जब राजनीतिक परिदृश्य बदला है तो देश भी बदल रहा है, इसलिए आप सब लोगों को बधाई, आपने मुझे बुलाया इसलिए हार्दिक धन्यवाद। और बच्चों, तकनीक से जुड़कर अंतरिक्ष तक पहुंचा जा सकता है, इसलिए आपके हाथ में कर लो दुनिया मुट्ठी में, कहा राम पानी ने अपना बुलाया था स्मार्टफोन,
तो जो मुट्ठी में दुनिया है इसका सकारात्मक उपयोग करना, पढ़ के आगे बढ़ना। सरकार चाहती है सुविधा उत्पन्न करा दी, करना आपको है क्योंकि तो आप देश के भावी भविष्य है। नमस्कार। बहुत आभार माननीय मंत्री जी। ऐसा लग रहा था कि आप ऐसे ही सुनते रहे।